देखो यार, जहां जहां देखोगे ना भाई तुम, सिर्फ एप्पल ट्री है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जी सारिया नू वेलकम बैक है मेरे चैनल पे। ये जो मेरी कश्मीर सीरीज चल रही है, इसका एक नया व्लॉग है। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। हम पहलगाम में थे, पहलगाम हमने पहले पूरा लोकल मार्केट्स कवर करी। हमने पोनी राइड करके ऊपर जो हमारा स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं उसको, पोनी राइड करके हमने वो कवर किया। पिछले व्लॉग में हम आरू वैली गए, उससे पिछले व्लॉग में हम बेताब वैली गए। हमने ऑलमोस्ट पूरा पहलगाम कवर किया, स्नोफॉल के ज़बरदस्त मज़े लिए, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल ली थी, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। इस व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, अब हम पहलगाम से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। हमने यहाँ एक दिन नाइट स्टे किया था पहलगाम में, काफ़ी अच्छा था होटल, हमारा काफ़ी अच्छा था, मून व्यू करके हमारा होटल था। अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, आज नाइट स्टे हमारा श्रीनगर में होगा। इस टाइम है 4 बज चुकी है और एज़ यूजुअल भैया हमारे सेम है, ये हमारे साथ पूरे ट्रिप पे साथ रहेंगे 5 दिन। भैया सही है यार, अलग अलग जगह दिखा रहे हैं हमें, काफ़ी अच्छी अच्छी, और भैया खुद बता देते हैं कि भैया ये स्पॉट है जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। लोकल हैं भैया और उनको आइडिया है हर चीज़ का कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अच्छी अच्छी मार्केट्स घुमा रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, तो आज हमारा श्रीनगर में स्टे होगा। तो मैंने सुना है कि श्रीनगर में कुछ लाइट शोज़ होते हैं नियर डल लेक, मे बी यदि होगा तो हम उसको एंजॉय करने वाले हैं। अब हम आ रहे हैं, और हाँ अब हम इस रास्ते से आए थे ना, उस रास्ते से नहीं जा रहे भैया, हमें ना विलेजेस से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एप्पल वैली, जैसे पे एप्पल ट्री देखे थे हमने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, अब यहाँ पे वापसी हम और एप्पल्स के ट्रीज देखते हैं कितने एप्पल्स हैं। और भैया बता रहे हैं कि सारे अखरोट की पेड़ है, फिलहाल तो पतझड़ है तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये सारे अखरोट पेड़ है। आप एज्यूम करो ना, जो हम अखरोट इतने महंगे खरीदते हैं यहाँ पे यार, ऐसे ही लगे रहते हैं और लोग ऐसे तोड़ तोड़ के खाते रहते होंगे यार। कश्मीर वालों की लाइफ है भाई, कश्मीर वालों की लाइफ है, क्या व्यू है यार देखना। मिनट पहले ना, अभी हम ना 10 मिनट पहले बर्फ से आए हैं, स्नो से आए हैं, कांप रहे थे, और अब देखो इतनी तेज धूप मुंह पे पड़ रही है ना, मैंने कहा भाई यहाँ श्रीनगर, यहाँ कश्मीर में नहीं पता चलता यार कैसे वेदर चेंज हो जाता है। कश्मीर का वेदर और बीवी का मूड कभी भी बदल जाता है भाई। तो जी श्रीनगर के रास्ते में, पहलगाम से श्रीनगर जा रहे थे, तो रास्ते में हम रुके हैं खाना खाने के लिए। ये एक जगह है, इस रिज़ोर्ट का नाम है एप्पल वैली रिज़ोर्ट, ठीक है, देखने में काफ़ी ठीक है, खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस लग रहे हैं। तो ठंड बहुत है यार यहाँ पे, कुछ खाने को कुछ खाते हैं भाई, भूख लग रही है, नूडल्स आ गए हैं गरम गरम, चिल्ली गार्लिक नूडल्स हैं, औसम यार औसम। मैंने ना अभी तक देखा है कश्मीरी फूड अच्छा है, मतलब कश्मीरी हम 2 रेस्टोरेंट्स में रुके हैं अभी तक, रेस्टोरेंट अच्छे हैं कश्मीर में, आप अच्छा खा सकते हो, वेज भी नॉन वेज के लिए तो फेमस है ही कश्मीर, वेज में भी आप खा सकते हो चाइनीज मसाला। हम सोच रहे थे यार यहाँ मसाला डोसा कैसा होगा, साउथ का फूड है लेकिन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है यहाँ, सब चीज़ अच्छी है। तो जी कश्मीर आए हैं, कश्मीर का कहवा नहीं पिया तो क्या करा यार, आप मतलब कश्मीर का ट्रिप आता रह जाएगा यदि कश्मीर का कहवा नहीं पिया। ये बार कहवे की शक्ल देखो यार, इस कश्मीरी कहवा में सैफरन है, ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम है, दालचीनी की मेरे को दिखने आ रही है, और भाई मैंने अभी टेस्ट किया है, क्या क्लासी है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर विंटर के लिए है ये, जरूर ट्राई करो यार कश्मीर का कहवा, बड़ा सही है और इसमें सही है बिल्कुल मस्त। यार तुम कहोगे कि यार कश्मीर आ गया, एप्पल ट्री तो दिखाई नहीं, अब यार तुम्हें नाराज तो मैं कर नहीं सकता, क्या कहते हो भैया, ये है ना एप्पल ट्री, मैं क्या कह रहा हूँ इनको नाराज तो कर नहीं सकते, एप्पल ट्री तो दिखाने पड़ेंगे, क्यों नहीं जरूर। तो ये देखो यार, जहाँ जहाँ देखोगे ना भाई तुम, सिर्फ एप्पल ट्री है और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एप्पल ट्री है, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ एप्पल ट्री है। और यहाँ पे भैया फ्रेश जूस बना रहे हैं एप्पल का,
और चारों तरफ सिर्फ एप्पल ट्री यार। ये सब ने ये थोड़े बहुत एप्पल छोड़े हुए हैं क्योंकि अभी एप्पल का सीजन नहीं है। आई गेस सितंबर में एप्पल जो है निकल चुके हैं, तो ये अभी इन लोगों ने पेड़ों पे लगा रखे हैं, घुसा रखे हैं ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे। प्लस यहाँ पे जो आता है उसको फ्रेश एप्पल जूस पिलाते हैं, हम ठंड के मारे नहीं पी रहे। तो जी अब खाना खा लिया, अब निकल रहे हैं फिर से श्रीनगर की तरफ और अब अंधेरा भी हो गया है। 5:30 ही हुई है बट अंधेरा होने लग गया है, तो अब रास्ते में मेरे को लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा मैं शूट करूँगा। तो अब श्रीनगर पहुँचते हैं और वहाँ पे होटल है हमारा, सिद्दकी पैलेस नाम से होटल है। होटल तो मुझे यार जब मैंने बुक किया था तो फोटोज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा था, रिव्यूज़ अच्छे थे। लेट्स सी कैसा होटल है, होटल में चलते हैं फिर आगे वीडियो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब मैं रास्ते की ज़्यादा नहीं बना रहा क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है यार। तो जी 2.5 घंटे के बाद पहलगाम से निकलने के बाद अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। ये बेसिकली पूरा रात के टाइम का श्रीनगर का नज़ारा है। तो वैसे तो हमारा होटल दूसरी साइड है, तो मैंने भैया को कहा एक बार डल लेक थोड़ा सा दिखाते लाओ क्योंकि दिन में तो फिर आएंगे ही, अभी रात में देखते हैं डल लेक कैसी दिखती है। तो श्रीनगर बहुत जल्दी मेरे ख्याल से यहाँ पे नाइट काफ़ी जल्दी हो जाती है, 7:00 बजी है अभी, 7:30 है और आधी से ज़्यादा मार्केट बंद हो चुकी है क्योंकि ठंड भी बहुत है। अब हम आपको दिखाएंगे नाइट में डल लेक के नज़ारे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि अभी हमने चेक इन करना है होटल में और थके हुए भी बहुत है। जस्ट एक लुक देखेंगे डल लेक की, थोड़ी देर भैया को कहेंगे गाड़ी रोको। भैया यहाँ रुकेंगे कहीं है, लो जी ये लो जी शिकारे के मज़े। ये जी शिकारा, सारी शिकारा खड़ी है लाइन में और सामने सारी डल लेक है राइट। हाँ गोप्रो तो शायद नाइट में इतना अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन सारी लाइन में डल लेक वो है, हाउस बोट सारी लाइन में। तो जी अब हम पहुंच गए हैं डल लेक, तो डल लेक का नज़ारे दिखाता हूँ मैं नाइट में, नाइट में कैसे नज़ारे होते हैं। ये पहुंच गए हैं जी डल लेक के ऊपर और यहाँ से सही क्लियरिटी आ रही है। ये मेरे पीछे शिकारा खड़ी है, इसमें शिकारा में आप आगे यहाँ पे मार्केट लगती है नाइट में और उस नाइट में आप मार्केट में एंजॉय कर सकते हैं और शिकारा राइड ले सकते हैं, बड़ी सही होती है। और सब मेरे पीछे सारी हाउस बोट्स हैं, इनमें एक हाउस बोट पर हम शायद कल रुकने वाले हैं, अभी तो हमारा होटल बुक है आज के लिए और कल हम इस हाउस बोट में रुकेंगे। निकल गए हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत थके हुए हैं, अब होटल में ही जा रहे हैं, होटल में अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर डिनर टाइम भी हो ही गया है, 8:30 हमारा डिनर होटल में ही है तो वहीं डिनर करते हैं और रात को आज अच्छी नींद लेते हैं। उसके बाद कल निकलना है हमें गुलमर्ग के लिए और एक नाइट हमने यहाँ पे भी बुकिंग करा रखी है, हमारे पैकेज में ही है, होटल साइमा करके है उसमें हमने बुकिंग करा रखी है, तो एक नाइट यहीं भी एक्सपीरियंस लेंगे। तो जी होटल पहुँच गया, फर्स्ट लुक में तो होटल काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ भाई होटल पहुँच गए, होटल सिद्दिक पैलेस, सिद्दिक पहुँच गए, सिद्दिक हेलो। ओ ये भी खुला हुआ है। तो जी ये आज के लिए हमारा होटल है, होटल सिद्दिक पैलेस, ये हमारा रूम। हमारा रूम यार। अभी क्या हुआ, जब हमने बुकिंग करी थी ना तो हमने पहले ही कहा था कि भैया हमको सेंट्रलाइज हीटर वाले ही एसी वो रूम दे दो, तो अभी इन्होंने क्या कहा बेड हीटर चालू कर दिया बट रूम काफ़ी ठंडा था। तो मैंने जिससे बुकिंग कराई थी मैंने उससे बात करी, भैया सेंट्रलाइज हीटर तो नहीं है यार, रूम तो काफ़ी ठंडा है, बेड तो चलो गर्म हो जाएगा बट रूम तो ठंडा है, रूम में तो कैप वैप पहन के घूमना पड़ेगा। तो वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन से इसका ख़राब है, तो इन्होंने ना हमें कुछ पोर्टेबल हीटर दिया है, ये कुछ पोर्टेबल हीटर है और कह तो रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में पूरा रूम गर्म हो जाएगा इससे, लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैंने अपनी बुकिंग वाले से बात किया, भैया ये हमने तो यार पैसे उसके दिए हैं, बता भाई क्या करना है।
देखते हैं क्या कहता है, क्या अपडेट आता है, क्योंकि हमारा ये ना होटल 2 दिन के लिए, यदि इसने रात तक रात को काम किया ठीक हीटर ने तो ठीक है, नहीं तो मैं कल भैया मैं तो नहीं रहूँगा इस रूम में। डिनर टाइम, खाते हैं कुछ। आज का ये डिनर अपना राइस चिकन, इधर मिक्स वेज दाल राइस और पनीर। हम थोड़ा सा लेट हो गए, पनीर ख़त्म हो गया, तो कि कोई नहीं, चिकन वालों का वैसे भी पनीर नहीं चाहिए होता। खाना खा लिया, इस होटल का खाना टेस्टी था। मैंने चिकन खाया, शिल्पा ने वेज खाया, उसको वेज भी काफ़ी अच्छा लगा। तो यार अब ना सही बताऊँ, मेरी तो व्लॉग करने की अब हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गया। तो यार मैं सुबह कंटिन्यू करूँगा या फिर इस व्लॉग को ही एंड करता हूँ, सुबह नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे।